ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने हुण फसे हुए लोगों के नाल संपर्क करके गलबात की है अते दस्या कि 320 लोग गुरुद्वारे दे विच शरण लई रुके हुए ने। हालांकि तालिबान ने जान की सुरक्षा का भरोसा दवाया है, पर फिर भी भारत सरकार नू जल्द तो जल्द फसे लोगों नू बाहर कढ़न लई मदद भेजनी चाहिए है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ ही देर पहले की घटनाक्रम है जब लोकल तालिबान लीडरों ने गुरुद्वारे में विज़िट किया और जाकर हमारे लोगों से बातचीत करके उनको आश्वासन दिलाया।